तस्करी मामले पर एल्विश यादव ने तोड़ी चुप्पी। मेनका गांधी और उसके एनजीओ को लेकर कही ये बात। वेल, बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव इस वक्त काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं। एल्विश यादव के ऊपर इल्जाम लगा है सांप की तस्करी करने का, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा नेगेटिव PR कॉन्ट्रोवर्सी का इस वक्त सामना भी करना पड़ रहा है। एल्विश यादव का अब इन सारी बातों पर रिएक्शन भी जो है वो सामने आ चुका है। एल्विश यादव ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में बताया कि वो सुबह सुबह उठे और उन्होंने देखा कि पूरी जगह मीडिया में सिर्फ उनका ही नाम है। उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो सांप की तस्करी करते हैं और इन सारी चीजों में उनका हाथ है। इन सारी बातों पर सफाई देते हुए एल्विश यादव ने कहा कि ये सारा काम जो है मेनका गांधी का कराया हुआ है। मेरी क्लिप्स जो कि म्यूजिक वीडियो के लिए मैंने बनाई थी, उनका मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हें हर जगह सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मैं सांप की तस्करी करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वीडियो इस वक्त मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी, और जब मैं उस म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कर रहा था तो वहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उस सांप के साथ रील्स और वीडियो बनाई थी, तो एक्साइटमेंट में आकर मैंने भी ऐसी वीडियो बनाई जो कि आज भी मेरे पास है और आज भी मैंने इंस्टाग्राम पर डाला हुआ है। वो म्यूजिक वीडियो भी आज भी है, जिसे देखना हो वो देख सकता है। इस तरीके की बातें मेरे खिलाफ की जा रही हैं और मेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वेल, ये सांप तस्करी वाला मामला इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा हाईलाइट में बना हुआ है और लगातार एल्विश यादव का नाम इससे जोड़ा जा रहा है और कई तरीके के फैंस के और पब्लिक के रिएक्शंस भी इस पे देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ एल्विश आर्मी इस बात पर भी एल्विश यादव का पूरा सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एल्विश यादव को इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए थी। वेल, आपका एल्विश यादव पर चल रही इस कंट्रोवर्सी पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।